अस्सलाम वालेकुम मिसाले वाला नान या इसको पकौड़ा नान भी बोला जाता है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और खास तौर पर इस ग्रीन चटनी के साथ बच्चे बड़े हर उम्र के लोगों में ये फेवरेट पाया जाता है और खास तौर पर सर्दियों में तो इसका दिल जो है हर बंदे का करता है कि इसको बार बार खाएँ बहुत सिंपल तरीके के साथ ये तैयार होते हैं और हम लोग इन्हें बहुत शौक़ से खाते हैं और जब भी दिल करे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो तो फिर दिल करता है कि ये मिसाले वाला नान तैयार किया जाए तो हम लोग कैसे तैयार करते हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे सबसे पहले हमने हाफ के जी जो हैं वो आलू लिए हैं और इन्हें हमने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आलूओं को स्लाइसेस में काट कर एक साइड पर रख लेंगे और इन्हें वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके के साथ उसके बाद हमने क्या करना है कि हरा जो मसाला है हमने तैयार करना है उसमें क्या होगा मेथी पालक और धनिया ये तीनों चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में लेकर इन्हें धोकर खुश कर लेना है और फिर उसके साथ हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे सबसे पहले पालक और मेथी में आपने बेसन डालना है और नमक लगा के रख देना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं नहीं करना क्योंकि नमक की वजह से आलू भी पानी छोड़ेंगे और पालक भी तो उसी जो पानी निकलेगा उसी में ही हमने बेसन को मिक्स कर लेना है जितना इसे पतला करेंगे उतना ही मुश्किल होगा नान के साथ अच्छा सा मसाला लगना और लेकिन आपने इसी में पानी में जो हमारे पालक और आलू ने छोड़ा है ये मसाला हम मिक्स कर लेंगे इसमें खुश्क धनिया थोड़ी सी अजवाइन नमक काली मिर्चें सुरख मिर्ची ये सारे स्पाइसेस आप इस्तेमाल किए जइन का जो है आपने इस्तेमाल ख़ास तौर पर करना है और ज़ीरे का क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फादी नहीं होने देती और आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है अब हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है आपने इसको दस मिनट के लिए रख देना है अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप नान लेंगी और इसे हल्के हाथों पर तमाम जो मसाला है आहिस्ता आहिस्ता सारा लगा देंगी आपने अगर ज़्यादा पतला होगा तो इतना ज़्यादा जो मसाला है वो नहीं लगेगा और नान जो है वो हल्का हल्का मसाला उसके साथ टच होगा अगर आपने मसाले को इस तरह रखा जो इससे आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है तो ये बहुत ही अच्छे इससे नान तैयार होंगे आपने इसी तरह ही आपने मिसाला बनाना है और इसी तरह हल्के हल्के हाथों के साथ आपने तमाम जो हमीज़ा हमने तैयार किया है वो आपने नान या कुलचा जिस जो भी आप बोलते हैं इस पर आप लगा दीजिएगा और आपने इसको जो है वो लगा के रखना नहीं है जैसे ही आप लगाएंगे इसको बहुत स्मूथली आपने साथ हमने कढ़ाई में ऑयल जो है या घी आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकती हैं आपने गर्म कर लिया था और अब हमने तमाम जो अमेजा है वो पूरे नान के ऊपर फैला लिया है अब यही नान हमने अच्छे तरीके के साथ जिस तरफ मिसाला लगा होगा उसी तरफ ही हमने ऑयल में डिप कर देना है जैसा कि अभी आपको नजर आएगा दो मिनट तक आपने क्योंकि दरमियानी हमारी आंच होगी तो दो मिनट तक आपने जो नान को आपने हिलाना नहीं है और ठीक पाँच मिनट के बाद हल्की आंच पर बनेगा तो ये रिजल्ट आप हमारे सामने आएगा नान बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची तैयार होगा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरह ही तमाम नान जो है हम तैयार कर लेंगे और इनको गरम गरम ही आपने सर्व करना है जैसे ये ठंडे हो जाएंगे थोड़े से ये सख्त हो जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं देते आपने गरम गरम ही सबको सर्व करना है तो हर दिल अज़ीज़ ये पकौड़े और मिसाले वाले नान तैयार हैं आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है इस तरह से आप बनाइए और सबसे से दाद पाइएगा इसी के साथ मुझे दे इजाज़त मिलेंगे फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल अल्लाह हाफिज़